क्लास 6 झांसी की रानी का दूसरा भाग आपको समझाने जा रहे हैं। जैसा पहले महारानी की वीरता हम समझा चुके हैं, डलहौजी ने मौका देखकर फायदा उठाना चाहा। आगे की हम बता रहे हैं, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंतम में से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता का बिगुल बज चुका था, चारों तरफ स्वतंत्रता की आग लग चुकी थी, महलों में झोपड़ियों में चारों तरफ ज्वाला स्वतंत्रता का छिटक चुका था। झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में, पटना में, चारों तरफ स्वतंत्रता का आग लग चुका था। जबलपुर कोल्हापुर चारों तरफ यह हलचल मच चुकी थी और महारानी लक्ष्मीबाई भी लड़ने को तैयार थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर भाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। डलहौजी ने अपनी सेना भेजा, जिसमें लेफ्टिनेंट वाकर सेना का कमान संभाल रहा था, और झांसी के मैदान में लड़ाई प्रारंभ हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई तलवार खींच ली और दोनों तरफ से द्वंद युद्ध प्रारंभ हो गया। बाकर उनके सामने टिका नहीं, अपनी विशाल सेना के को लेकर आया, किंतु महारानी की वीरता के आगे हुआ टिका नहीं, अतः वह हार कर मैदान छोड़कर भाग चला। मर्दान महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के आगे आगे है, रानी बड़ी काल्पिक आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिर भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। वाकर हार गया और वह भाग चला, महारानी निरंतर आगे बढ़ती रही, किंतु एक घटना घटी, उनका घोड़ा थक चुका था, दौड़ते दौड़ते चलते चलते वह गिर पड़ा यमुना के आसपास और वह गिर कर मर गया, किंतु यमुना तट पर फिर महारानी ने, ने, ने अंग्रेजों को हार दिलाई थी। और उसके बाद सिंधिया जो अंग्रेजों का मित्र था वह भी राजधानी छोड़ चुका था और वह भी आगे निकल चुका था। इस तरह आगे की घटना है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे युवराज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी को विजय मिला, वह आगे बढ़ रही थी, किंतु इस बार फिर अंग्रेजों ने चाल चली और अपनी सेना लेकर फिर आए, उसमें जनरल स्मिथ आगे था, वह सेना का कमाल संभाला था और वह महारानी को फिर घेर लिया, और महारानी के साथ उनकी दो सखियां थी, काना और मंदरा, जो उनका साथ दे रही थी महारानी की, वह युद्ध क्षेत्र में मिलकर महारानी के साथ धूम मचा रही थी और महारानी लड़ रही थी, जनरल स्मिथ के सम्मुख थी और सेना थी, किंतु पीछे से धोखे से अंग्रेजी सेना का ह्यूरोज जो था एक मुखिया वह आया और पीछे से महारानी को घेर लिया, और महारानी को घेरने के कारण महारानी दोमच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, अब उनकी हार निश्चित थी, किंतु वह हार मानने वाली नहीं थी। तो भी रानी मार काट कर चली बहनी सैनिक के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर आर, घायल होकर गिरी सिंहानी
उसे वीरगति पानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पीछे से यूरोज ने घेर लिया, महारानी लड़ रही थी, हार नहीं मानी थी, किंतु वह मार काट करते हुए आगे बढ़ रही थी, किंतु नया घोड़ा था उनका, नया घोड़ा अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था, वह बढ़ ही रहा था कि एक नाला आया, नाले में उसका पैर पड़ा और घोड़ा गिर पड़ा, महारानी भी गिर पड़ी और शत्रुओं ने उन पर वार कर दिया, महारानी घायल होकर गिर पड़ी और शत्रु उन्हें मार डाले, महारानी लड़ते लड़ते वीरता वीर गति को प्राप्त हुई और वह लड़ी एक वीर की तरह मर्दानी होकर लड़ी, यह महारानी झांसी की रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई अब बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी वीरगति को प्राप्त हो गई, वह दिव्य सवारी करते हुए, तेज गति प्राप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, सच्ची अधिकारी थी, तेजता था उनमें, केवल उनका उस समय उम्र 23 वर्ष था और 23 वर्ष के उम्र में उन्होंने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, वह एक मनुष्य नहीं थी बल्कि वीरता की अवतारी थी, वह लक्ष्मी की अवतार थी, दुर्गा की अवतारी थी, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ी और हम सभी को स्वतंत्रता पाने की एक रास्ता दिखा गई, एक सीख दे गई और वह सीख जो आजादी का सीख था कि आजादी कैसे पानी थी, उसी सीख को लेकर भारतीय आगे बढ़े और यह युद्ध आगे तक चलता रहा और उनके मार्ग पर चलते हुए हमने लड़ा और हमारे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त किए, यह महारानी की चिता बनी, आज भी उस चिता पर फूल चढ़ाया जाता है, आज भी वीरता के गीत गाए जाते हैं, महारानी को याद कर अश्रु बहाए जाते हैं, अतः उनके लिए दिल में अपार श्रद्धा और प्रेम आज भी है और बुंदेले और हरबोले लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं, पहले भी सुनाते थे और आज भी सुनाते हैं। बच्चे यह पाठ समाप्त हुआ, यदि आपको कहीं असुविधा हो तो फिर आप हमसे फोन से संपर्क करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर तथा शब्दार्थ लिख लेंगे तथा यह कहानी या कविता अपनी कॉपी में लिखकर कोई एक चित्र भी इससे संबंधित बना लेंगे।